अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार सी रेसिपी, क्लब सैंडविचेस और बारबेक्यू क्लब सैंडविचेस, टिक्का सैंडविचेस, जो भी आप बोलना चाहें इसे। और ये बहुत यम्मी बनते हैं और मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। मैंने तो इतने सारे इसलिए बना लिए थे बिकॉज़ हमने रात के खाने में फिर यही खाए थे। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आए थे और मेरे दाऊद को भी बहुत पसंद आए थे। तो चलें मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चिकन। चिकन में हम डालेंगे चिकन टिक्का मसाला, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च, 1 टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के, ठीक है जी। और कॉर्नफ्लोर इसमें जाएगा, नहीं सॉरी ये दही है, दही इसमें जाएगा, ठीक है जी, 2 टेबल स्पून। और इसके बाद इसमें जाएगा लेमन, लेमन हाफ बड़ा था तो मैंने हाफ डाला था, आपके पास छोटा है तो आप एक डाल लीजिए, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा मैंने ऐड किया सॉल्ट और इसको हमने करना है अच्छे से मिक्स। ये देखिए ये हो गया अच्छे से मिक्स। अब हम क्या करेंगे, एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और जो है इसके बाद जितनी हमने जो चिकन मैरिनेट करी है ना वो सारी इसमें हम चिकन डालेंगे। चिकन अपने ही पानी छोड़ेगी, अपने ही पानी में गल जाएगी, हमें कोई एक्स्ट्रा वाटर इसमें यूज़ नहीं करना, ठीक है। और चिकन तो पता है आपको जल्दी गल जाती है, इसमें दही भी मैंने डाला है तो दही भी अपना पानी छोड़ेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें पानी छोड़ेंगे और ये गल जाएगी। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम सैंडविचेस की तैयारी करते हैं जब तक हमारी चिकन हो रही है। यहाँ पे जो है ना मैंने बड़े साइज़ की ब्रेड ले ली है जो सैंडविच के लिए यूज़ होती है, उसकी सारी साइड्स जो है ना वो हमें चारों साइड्स कटिंग करनी है। 3-3, 4-4 स्लाइस साथ में ले कर कटिंग करिएगा, एक एक दो दो लेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें टाइम लग जाएगा। ये हमारी सारी देखें साइड्स कटिंग हो गई। अब हम वेजेस कट करेंगे। वेजिस में हम यूज़ करेंगे टोमेटोस, क्यूकम्बर और सलाद पत्ता, ठीक है। यहाँ पे हमने टोमेटोस देखें गोलाई में इस तरह कटिंग कर लिए हैं बारीक बारीक। ये देखिए यहाँ पे हमारे टोमेटोस भी जो है ना अच्छे से कटिंग हो जाएंगे। आप कोई भी वेजिस यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे सैंडविचेस में, क्लब सैंडविचेस में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती हैं वेजिस वो यही 2-3 वेजिस होती हैं जो यूज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्यूकम्बर भी कटिंग कर लिया है, आप चाहें तो गोलाई में कटिंग कर सकते हैं, छील के कटिंग कर सकते हैं अगर आपको छिलके समेत नहीं पसंद तो, ठीक है। मुझे छिलके समेत पसंद है तो मैं यहाँ पर ऐसे ही इसको कटिंग कर लूँगी, ठीक है। अब हमने अपने बोर्ड को साफ़ करना है, अब हम सॉस की तैयारी करेंगे। ये जो सॉस मैं आपके सामने बना रही हूँ ये इतनी बेहतरीन सॉस है, आप इसे बर्गर में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे शवरमा में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं, रोल में यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ में आप इसको बना के रख सकते हैं, पिज़्ज़ा की टॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त एक सॉस होती है। इसके लिए हमें चाहिए मायो, 1 कप भर के मायो मैंने इसमें ली है, ठीक है। मायोनीस इसमें जाएगा, चिल्ली गार्लिक सॉस 1/2 कप, फिर इसमें जाएगा हॉट सॉस 1.5 टेबल स्पून, ठीक है। और इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट 1.5 टीस्पून, ब्लैक पेपर इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून, ठीक है। और ये लहसुन और हेलोपिनोस थे जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, ये इसमें जाएगा और इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, ये बहुत ज़बरदस्त से सॉस बनती है, मैंने आपको बता दिया। आप इसे बना के स्टोर कर सकते हैं, 1 मंथ के लिए आराम से आप इसे स्टोर कर सकते हैं, ये आपकी सॉस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी मैं इसमें शुगर डालना भूल गई थी, इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी शुगर, बिल्कुल भी सॉल्ट इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ मायोनीज भी जो होती है वो सॉल्टी होती है और इसलिए इसमें मैंने कोई जो है सॉल्ट ऐड नहीं करा, ठीक है। अब ये देखें चिकन यहाँ पर हमारी डन हो चुकी है और ये देखें मैं पैन में ही जो है चिकन को इस तरह जो है स्पून की हेल्प से इसे मैश कर लूँगी, ठीक है। चाहे तो आप निकाल के इसको नाइफ से भी कटिंग कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ जो है ना मैं ऑमलेट भी बना के रख लेती हूँ। चिकन हमारी रेडी हो गई, सॉस हमारी रेडी हो गई, ब्रेड्स कटिंग हो गई, वेजेस कट गई, अब बारी है एग की। एग हमने मैंने दो एग लिए हैं, इसमें सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल के इसको जो है ना मैं थोड़े से ऑयल में ऑमलेट बना लूँगी। 2 अंडों में जो मैं ऑमलेट बनाऊँगी वो हमारा आराम से जो है 3-4 सैंडविचेस में यूज़ हो जाएगा। वो कैसे, वो इस तरीके से आप इसे 4 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे तो एक पार्ट जो है आराम से एक सैंडविच में यूज़ हो सकता है हमारा।
तो परेशानी की बात नहीं है, दो अंडों में चार सैंडविच हमारे आराम से बन सकते हैं, किफ़ायतशारी वाला काम हमें करना है। सही है जी। फिर यहाँ पे जो ब्रेड है वो मैं हल्की हल्की सी सेक लूँगी, ठीक है। आप ग्रिल भी कर सकते हैं, और चाहें अगर आपको ऐसे ही पसंद है बिना सेके बिना ग्रिल किए तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से ज़्यादा पसंद है तो मैंने इस तरीके से कर लिया। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो उसमें बहुत अच्छे से लाइन्स आ जाती हैं तो वो और अच्छी लगती हैं सैंडविचेस में, ठीक है। ये सारी हमने ब्रेड कर लिया, अब हम बारी है असेंबलिंग की। तो हमें एक सैंडविच में तीन ब्रेड यूज़ होंगी। तो पहली ब्रेड हमने लेके इस पे हमने अच्छे से सॉस लगाना है, बिल्कुल कंजूसी से नहीं लगाना है। और ये हम लग गई सॉस, अब हम इस पे रखेंगे सलाद पत्ता। अगर आपके पास आइसबर्ग है तो आप आइसबर्ग का यूज़ करें, वो मेरी फर्स्ट चॉइस थी पर वो मुझे नहीं मिला कहीं भी यहाँ पर लोकल मार्केट में, तो इसलिए मैंने सलाद पत्ता यूज़ किया। उसके ऊपर मैंने रखे टोमेटोज़, ठीक है, दो टोमेटोज़ और दो क्यूकम्बर, मैं एक उसमें यूज़ करूँगी सैंडविच में इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके ऊपर मैं रखूँगी ऑमलेट, ये देखिए ये मैंने अपना ऑमलेट इसमें रखा। इसके बाद मैं रखूँगी इसमें चीज़ स्लाइस, फिर उसके ऊपर से मैं रखूँगी ब्रेड का स्लाइस, फिर ब्रेड के ऊपर मैं लगाऊँगी ये सॉस मेरी, ये आप कह लें मेरी सिग्नेचर सॉस है, ठीक है, ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ। फिर उसके ऊपर से मैं रखूँगी इसमें चिकन, चिकन की फिलिंग जो मैंने चिकन रेडी की थी, ठीक है। आप अच्छी मतलब क्वांटिटी में रखिएगा कि हाँ आपके मुंह में आनी चाहिए, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ब्रेड ही ब्रेड और सॉसेस और वेजेज आ रही हो, चिकन आ ही नहीं रही हो, इसके बगैर तो मज़ा अधूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छी क्वान्टिटी में आपने रखना है। फिर जो लास्ट हमारा स्लाइस बचा है जो हम इसके ऊपर रखेंगे, उसमें भी हम अच्छे से अपनी सॉस लगाएंगे। ये काफ़ी सॉसी जूसी और मज़ेदार सैंडविच बन के रेडी होगा। ये हमारा सैंडविच देखें, एक सैंडविच की असेंबलिंग मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं ऑफ कैमरा करूँगी, ठीक है जी। तो ये देखिए मैं इसको कर रही हूँ बीच से कट, मैंने सिर्फ दो पार्ट में करा है, आप फोर पार्ट्स में भी इसे कट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे कट कर दिया और ये ज़बरदस्त सा जो है ना मेरा सैंडविच बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। इसका टोमेटो निकल गया था जो मैंने वापस डाल दिया। ये देखिए इसकी बहुत ज़बरदस्त सा ये बन के तैयार होता और ये बहुत यमी बना था। आप इसी रेसिपी से ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।